ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खा लेना, बन जाओगे आप करोड़पति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को सावन के इस पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा जाए या शिव पुराण के आप किसी भी अध्याय को देख लें, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि सावन के पवित्र महीने में जो भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वो कोई सामान्य सा बेलपत्र नहीं होता है, बल्कि अमृत सामान्य तुल्य वो बन जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार किस मुहूर्त पर आपको किस समय पर शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का ग्रहण करना होगा, और अगर आप विधि विधान से शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का सेवन सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लेते हैं तो न केवल आपको अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, महादेव अगर किसी भी व्यक्ति पर अपना हाथ रख दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखिए दोस्तों, वैसे जो सामान्य सा सोमवार होता है उस दौरान अगर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो माना जाता है इससे आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाती है। लेकिन कहा गया है कि जब भी सावन का महीना आता है इस दौरान अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं और उसका ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है, क्योंकि जब बेलपत्र किसी भी शिवलिंग पर सावन के महीने में चढ़ाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है, वो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। एक बात को जरा ध्यान से समझिए दोस्तों, 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस दौरान आप कोई भी उपाय शिव पुराण के अनुसार करेंगे तो उसका पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और आपने ये देखा भी होगा कि करोड़ों की संख्या में सावन के सोमवार के दिन भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ और उपाय करते हैं ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही सफल हों, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार और शिव पुराण में भी साफ साफ लिखा हुआ है, जब एक बेलपत्र किसी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसको वापस से धो करके आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। 6 महीने तक बेलपत्र बासी नहीं माना जाता है। इसका कारण क्या है तो आपको बता दें, पहाड़ों में या ऐसी कई जगहों पर शिवालय होता है जहाँ पर बेल वृक्ष नहीं होता है, और वहाँ पर जो बेलपत्र होता है वो भगवान भोलेनाथ को धो धो करके 6 महीने तक चढ़ाया जाता है। 6 महीने तक आप बेलपत्र जो है वो वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी मनाही नहीं है। देखिए दोस्तों, शिव जी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उस व्यक्ति को सावन के सोमवार हो गए या सामान्य से सोमवार हो गए इस दौरान भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर एक एक बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, और इससे भगवान भोलेनाथ की उस व्यक्ति को असीम कृपा प्राप्त होती है और उस व्यक्ति की मनोकामना भी पूरी होती है। लेकिन आप ये बार बार सोच रहे होंगे कि आखिर बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को इतना ज़्यादा प्रिय क्यों है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। देखिए, कथा के अनुसार समुद्र मंथन के वक्त कई चीज़ें निकली थी, उन चीज़ों में से एक विष भी निकला था। उस विष का नाम था कालकुट विष। देखिए दोस्तों, जैसे ही ये विष निकला था पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तुरंत भगवान भोलेनाथ वहाँ पर गए और भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, और भगवान भोलेनाथ का जो कंठ था वो पूरी तरह से नीला पड़ गया। तभी से भगवान भोलेनाथ को लोग नील कंठ भी कहने लगे थे। दोस्तों, विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि भगवान भोलेनाथ के पूरे शरीर में बहुत तेज बढ़ने लग गया था, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लग गया था। तभी जितने भी देवी देवता वहाँ पर उपलब्ध थे, वहाँ पर खड़े हुए थे, वो वैद्य के पास गए और वैद्य से उनने पूछा कि अब हम क्या करें, तो वैद्य ने तुरंत ही कहा कि भगवान भोलेनाथ को आप बेलपत्र दें और उनका अभिषेक शीतल जल से करें। ऐसे ही देवी देवताओं ने किया भी और भगवान भोलेनाथ को इससे बहुत ज़्यादा शीतलता मिली थी। तभी से एक प्रथा चली हुई आ रही है, अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता है, शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करता है और फिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल अर्पित करता है, इतना ही करने भर से उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ को 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र जिस तरफ से चिकना होता है उसी तरफ से भगवान भोलेनाथ की तरफ
शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। और बेलपत्र जब भी आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें, चढ़ाते वक्त जो बेलपत्र की डंडी हो वो आपकी तरफ होनी चाहिए। बेलपत्र कभी भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को कोई भी खंडित चीज कभी भी अर्पित नहीं की जाती है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि भगवान शिव जी की सदैव उस पर कृपा बनी रहे, तो उस व्यक्ति को हर सोमवार के दिन 2-4-5 मिनट का समय निकाल करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए और शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ की उस व्यक्ति को असीम कृपा प्राप्त होती है और उस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाता है और उसकी हर मनोकामना भी पूरी होती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, भगवान भोलेनाथ को याद करना कभी मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। आप उनको सिर्फ एक लोटा जल ही अर्पित करेंगे, इतने भर से ही वो प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद आपको दे देंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के हर कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाए और भगवान भोलेनाथ के वरदान से आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो तुरंत ही जाइए कमेंट बॉक्स में और लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कुछ ऐसी तिथि होती हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं जिस वक्त बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए होता क्या है दोस्तों, बहुत से लोग सोमवार का व्रत करते हैं, बहुत से लोग सावन में व्रत करते हैं, बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ के लिए महाशिवरात्रि में भी व्रत करते हैं, लेकिन वो लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनका व्रत भी खंडित हो जाता है, उनकी पूजा भी संपन्न नहीं मानी जाती है। देखिए, भगवान भोलेनाथ की आप कोई भी पूजा करेंगे उसमें आपको बेलपत्र की जरूरत होगी, लेकिन बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित कब करना है और बेलपत्र तोड़ा कब जाता है, ये आपका जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको बताना रहे। मकर संक्रांति हो गई, चतुर्थी हो गई, अष्टमी हो गई, इसमें कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, सामान्य सा कोई भी आपका सप्ताह हो उसमें जो सोमवार का दिन पड़ता है उस दिन भी कभी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। अब मान लीजिए आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं, आप भगवान भोलेनाथ के लिए पूजा पाठ करने जा रहे हैं और सोमवार के दिन तो आप जाएंगे ही जाएंगे, तो दोस्तों कभी भी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए बेलपत्र मत तोड़िएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने जीवन में कई प्रकार के पाप लग सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, आप बहुत ध्यान से समझिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, कि आप मान लीजिए आपने सोमवार का व्रत रखा हुआ है, आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, तो आप बेल के पेड़ के पास जाएंगे और बेल के पेड़ से पत्ते तोड़ करके, बेलपत्र तोड़ करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। इसके पीछे मनाही की गई है। इसकी मनाही क्यों की गई है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो बेल का पेड़ होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान शिव जी का वास होता है, बेल की जड़ में जो होता है वो भगवान ब्रह्म जी का वास होता है और बेल पेड़ के मध्य में भगवान विष्णु जी का वास होता है और शिव पुराण के अनुसार बेल वृक्ष में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। इसीलिए कभी भी सोमवार के दिन बेल के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, आप किसी भी दिन बेल के पत्ते तोड़ रहे हो, कृपया करके दोपहर 12 बजे के बाद बेल के पत्तों को मत तोड़िएगा। बेलपत्र दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी नहीं तोड़े जाते हैं। अब मान लीजिए आपको सोमवार को बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप शनिवार को, रविवार को दोपहर 12 बजे से पहले नहाने धोने के बाद बेलपत्र तोड़ के लाइए, अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए और सोमवार की पूजा के दिन उसी बेलपत्र को उठा करके ले जाइए और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इस बात का बस आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। अब आपको हम बताएंगे कि कैसे आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करें ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो सके और बेलपत्र कब आप खा सकते हैं जिससे आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए आखिर बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, माता पार्वती जी के पसीने की कुछ बूंदें मंदरांचल पर्वत पर जा गिरी थी, वहीं पर जो बेल वृक्ष था उसकी उत्पत्ति हुई थी। तभी से बेल वृक्ष को एक देव वृक्ष माने जाने लगा है और तभी से ये वृक्ष जो है वो पूजनीय हो गया था। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि बेल पत्र के हम उपाय कैसे करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं एक एक करके। और यकीन मानिए इन उपायों को करने के बाद आपको अपने जीवन से गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आयुर्वेदिक दृष्टि से। अब मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपके रक्त की कोई संबंधित परेशानी है और आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान हैं। प्रतिदिन सुबह आप लोग एक खाली पेट बेलपत्र खाना शुरू कर दीजिए। कहा गया है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कि अगर कोई व्यक्ति खाली पेट बेलपत्र खाता है तो उसको रक्त संबंधित परेशानियों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, उसके अंदर जो भी बीमारियां होती हैं वो बीमारियां उसको छोड़ने लग जाती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, ये तंत्र शास्त्र हम आपको बताने रहे हैं, कफ दोष हो गया, पित्र दोष हो गया या तफ दोष हो गया, ये तीन ऐसे दोष होते हैं जिसकी वजह से ही एक मनुष्य के शरीर में बीमारियां आती हैं। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सप्ताह में एक दिन तीन पत्ते वाला बेलपत्र का सेवन कर रहा है तो उसको इस प्रकार के दोषों से कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए सावन के 11 दिन
आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, आपको एक लोटा जल लेना है, एक लोटा जल ले जा करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, ये एक लोटा जल मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर ये जल भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए और शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का सेवन कीजिए। 11 दिन अगर आप यह उपाय करते हैं 11 दिन के बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप अपने दुर्भाग्य से बड़ा परेशान है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही करना है कि सावन के 3 सोमवार, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 सोमवार पर आपको व्रत करना है, आपको एक लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, एक लोटा जल से अर्पित कीजिए और इसी बेलपत्र का सेवन कीजिए जो शिवलिंग पर चढ़ चुका हो। भगवान भोलेनाथ का ये प्रसाद जो होगा ये आपके जीवन से आपके दुर्भाग्य को दूर कर देगा और आपके सौभाग्य को आपके साथ ला देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसी कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना पूरी जाए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, तो आपको क्या करना है, देखिए सावन के 3 सोमवार आपको व्रत करना होगा। व्रत करिए और 11-11 बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। अगर आप बेलपत्र खा नहीं सकते तो बेलपत्र को चढ़ाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन था, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दीजिएगा ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।